हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये बाउल है, बाउल में हमने एक कटोरी बेसन लिया है, आधा चम्मच जीरा ले रहे हैं, इसमें हम हरी धनिया ऐड कर रहे हैं। ये धनिया ऐड कर दिए हैं, इसमें दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च आधा चम्मच ऐड कर रहे हैं। ये लाल मिर्च हमने इसमें डाल दिया, आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें स्वाद अनुसार नमक हम डाल रहे हैं। इस तरीके से इसको मिला ले रहे हैं, देखिए। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी भी डाल दे रहे हैं। मसाला हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, ज़्यादा तेल मसाला नुकसान भी करता है, तो मसाला हम नहीं डाल रहे हैं, हल्दी से केवल डाल रहे हैं। ये देखिए, पानी डाल के इसका हम घोल तैयार कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसमें डाल रहे हैं, इसका अच्छी तरीके से घोल तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, घोल बन गया है, ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, मीडियम है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फेंट रहे हैं ताकि घोल अच्छी तरीके से हो जाए। ये पोई का पत्ता है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। इसको ठंड में ज़रूर बना के खाइए, बच्चों को भी खिलाइएगा। तो इसको हम डंठल से काट रहे हैं, इस तरीके से डंठल से निकाल दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से पत्ता हम डंठल से अलग कर दे रहे हैं। इसका अब हम पत्तल काटेंगे नहीं, इसका रोल बनाएंगे। तो रोल बना के हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, डंठल काट दिए हैं, इस तरीके से इसको हम मोड़ रहे हैं। ये बहुत ही मुलायम होता है, आसानी से मुड़ जाता है। इस तरीके से हम मोड़ के इसमें एक छोटी सी गोदी डंडी लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड बहुत अच्छे हो रहा है। तो इस तरीके से हम सभी रोल बना रहे हैं इसका, पत्ते का। ये देखिए, एक एक करके हम पत्ते का रोल बना के तैयार कर ले रहे हैं। ये रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। और ये घोल देखिए, इस तरीके से हल्का सा मोड़ फेर दे रहे हैं। घोल हमारा गाढ़ा ही बना है, ज़्यादा पतला नहीं है। इसमें रोल डाल के इसके अच्छी तरीके से हम बेसन लगाएंगे। देखिए, बेसन अच्छी तरीके से हम लगा दिए ताकि अंदर बाहर दोनों लग जाए। तेल मीडियम गर्म है, तो इसमें एक एक करके सभी रोल को हम डाल दे रहे हैं। देखिए, एक एक करके हम सभी रोल डाल रहे हैं इसमें, और इसको हम पलट दे रहे हैं चारों तरफ अच्छे से पक जाए। ये ब्राउन हो गया है, देखिए। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से प्लेट में निकाल रहे हैं, तेल इसका छन जाए, तो प्लेट में हम निकाल दे रहे हैं। ये प्लेट में हम निकाल दिए हैं इसको। अब इसी तरीके से और हम बना ले रहे हैं। जो बचा है उसको भी हम इसी तरीके से बना ले रहे हैं। तो एक एक करके हम तेल में डाल रहे हैं इसको। तेल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। ये देखिए, बन रहा है हमारा। ये रोल बन के तैयार हो रहा है। मेहमान आए तो आप 10 मिनट में ये रोल बन के तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी होता है। ये रोल हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।